हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी पुणे की दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे तो ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड ऑटोनोमस है और अंडर डिपार्टमेंट या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है बेसिकली और रिसर्च भी सम इन्हीं फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो येस इंजीनियरिंग और साइंसेस के ब्रांचेस अवेलेबल हैं डिसप्लेंस अवेलेबल हैं बट जो एक मेन फोकस होता है वो डिफेंस से रिलेटेड होता है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिएगा बट हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे प्लीज़ बोलने से मत कीजिएगा तो देखिए ये सबसे पहले आप जब इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे विच इज डी आई ए टी डॉट ई सी डॉट इन बेसिकली तो आपको अनाउंसमेंट्स का ये सेक्शन दिखेगा राइट तो इसी में आपको एम टेक और पी एच डी दोनों के लिए अप्लाई ऑनलाइन का जो आपको पोर्टल है उसकी लिंक मिलेगी या एंड में भी मिलेगी तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यस yes, ये देखिए यहाँ पे एम है और पी का है तो आप एम में इंटरेस्टेड हैं तो आप एम देख सकते हैं हम बात करेंगे पी की तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन होगा सॉरी अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा जो कि आपको अभी दिख रहा है तो यहीं से आपको अप और अप्लाई वगैरह करना है जब आप पोर्ट्रेट मोड में अपने फ़ोन में ओपन करेंगे तो आपको ये पेज जब पूरा दिखेगा बेसिकली सो तो ऊपर वाले अपर पोर्शन में आपको ये जो टैब है वो दिखेगा और एंड में ये जो लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो दिखेंगी बट ये लैंडस्केप मोड है इस वजह से उस एक साथ दिख रहा है सब ठीक है तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है बट ये प्रोग्राम डिटेल्स हैं सबसे पहले है अप्लाई कैसे करना है पूरा प्रोसेसर देन पीएचडी प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट एंड देन है प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट वन बाय वन हम तीनों पीडीएफ्स को ओपन करेंगे और डिस्कस करेंगे राइट बट आप अपने पे ओपन करेंगे ना तो आपको अच्छे से दिखेगा राइट तो यस उसके अलावा जो भी लिंक्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप चेक कर सकते हैं एंड यस तो चलिए ओपन करते हैं पहले एडवर्टीज़मेंट जी तो ये है एडवर्टीज़मेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स तो चलिए देखते हैं सो so, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले ओवरव्यू है डीआईईटी के बारे में सो इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिप्यूट फॉर हायर लर्निंग ये चीज़ ठीक है उसके बाद ये इंस्टीट्यूट है इम्पाथ्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन एडवास टेक्नोलॉजीज़ विच आर यूज फॉर द ट्राई सर्विसेज डी आर तो यही था जो मैंने बोला कि जो मेन फोकस है वो इसी से रिलेटेड होगा सो so, देख सकते हैं आप कि मेन फोकस इज़ टू इवॉल्व एज एन इनोवेटिव यूनिक रिसर्च यूनिवर्सिटी टू डेवलप इंडिजिनस कंटेम्प्ररी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड टू प्रोवाइड एंड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू द सर्विस सो एनी वेज आई नो आप पढ़ सकते हैं तो हम डायरेक्टली अभी बात करते हैं जो इनके डिपार्टमेंट हैं एरियाज़ हैं उनकी तो यहाँ पे एरियाज़ दिए हुए हैं सो देखिए कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप का ऑप्शन है सो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप इस्कॉलरशिप में अगर आप चाहते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप मिले तो ये एरियाज़ हैं और जो जे आर एफ या इस्पॉस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एरियाज़ थोड़े से ज़्यादा हैं ठीक है ये भी हैं उनके लिए और एक्स्ट्रा भी हैं आई थिंक ये डिफरेंस है तो हम देखते हैं ये स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप जिन्हें चाहिए उनके लिए है सो सबसे पहले मेटोलॉजिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है जिनके डिपार्टमेंट्स या एरिया सॉरी आप देख सकते हैं एरियाज़ ये ये अवेलेबल हैं दैन नेक्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स दैन इसमें अप्लाइड मैथ्स है फ्लूड मकैनिक्स है देन मकैनिकल है सी एस सी है अपलाइड फ़िजिक्स है स्कूल ऑफ क्वान्टम टेक्नोलॉजी है एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ठीक है तो ये एरियाज़ थे दैन नेक्स्ट आप देखेंगे सो इन एडिशन टू दी एब लिखा हुआ है सो इन एडिशन टू द एबव प्रोजेक्ट स्टाफ जे आर एफ एस आर एफ पी ए कुछ भी हो वर्किंग अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स एंड कैंडिडेट्स विद सी एस आई आर नैट डी एस टी यू जी सी नेट या कोई भी और फेलोशिप है या स्कॉलरशिप है तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर पी एच डी एडमिशन इन एनी सब्जेक्ट एरिया ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट तो दिस इज़ वॉट आई सेट राइट सो अब बात करते हैं बाकी एरियाज़ की सो अप्लाइड केमिस्ट्री है और इनके ये सारे एरियाज अवेलेबल हैं ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर नहीं आएंगे देन अप्लाइड मैथ्स के एरियाज़ मैकेनिकल देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है एरियाज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं देन है मेटेलोजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एम एम ई दैन सी एस ई है अप्लाइड फ़िजिक्स है एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो यस yes, ये डिपार्टमेंट्स हैं डिसप्लिन हैं और ये उनके एरियाज थे जो आप देख सकते हैं तो अगर अब आप इंटरेस्टेड हो इन एरियाज़ में और इन डिपार्टमेंट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं सो नाउ टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी सो क्या है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यस मास्टर्स डिग्री हो 55 परसेंट मार्क्स के साथ या इक्वेलेंट सी जी हो 5 परसेंट रिलेक्सेशन है हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स और हमारे दिव्यांग दिव्यांगजनों के लिए राइट right? और जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो या तो एम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एम टेक हो या इक्वेलेंट हो इंजीनियरिंग और साइंस में या फिर एम हो आप ठीक है उसके इक्वेलेंट भी चलेगा बट साइंस में हो पी इन साइंस के लिए देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी में यहाँ पे क्या लिखा है सो अ कैंडिडेट हु हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द परसेंटेज उन्हें उसके साथ में ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल करनी होगी राइट right? सो so या तो आपने कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किया हो जैसे यू जी सी नेट है सी एस आई आर नेट है कोई भी गेट है गेट या राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है एन बी एच एम है कोई भी राइट सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट में होता है ठीक है तो उस या तो और हाँ एक और चीज़ की जो कट ऑफ है वो डिसाइड करेंगे डी आई ए टी तो ये आपको बाद में पता चलेगा एंड uh, उसके अलावा ये आपके पास कोई फेलोशिप हो किसी भी एजेंसी के द्वारा मिलती हो सी एस आई आर यू जी सी कोई भी ठीक है तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के आप देख सकते हैं सो बेसिकली जिनके पास नेट है गेट है ऐसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं राइट देन एज लिमिट भी है सो थर्टी ईयर्स तक का बार है थर्टी ईयर्स से ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर नहीं सकते हैं और आपकी एज थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन को होनी चाहिए तो so बेसिकली तब तक थर्टी से ज़्यादा आप नहीं हो तभी अप्लाई कीजिए हो बाकी रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिलेगा नोट में कुछ चीज़ें हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा देन सेलेक्शन का बेसिस आपको पता है एंट्रेंस होगा देन आपको इंटरव्यू देना होगा असिस्टेंटशिप यस yes, मिलेगी असिस्टेंटशिप फुल टाइम पी स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट के रूल्स के जो भी होंगे उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी उसके अलावा कंटीजेंसी फिफ्टीन थाउजेंड पर ईयर है और टीचिंग असिस्टेंस में टेन आवर्स पर वीक आपको अपना ड्यूटी प्रोवाइड करना होगा देन बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए हॉस्ट हॉस्टल अकोमोडेशन है मेस फैसिलिटीज़ भी हैं पेमेंट बेसिस पे तो आप चार्जेस वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं आप देख लीजिएगा देन टॉकिंग अबाउट कि अप्लाई कैसे करना है तो वैसे पूरा प्रोसीजर जो है अभी हम उसे देखेंगे ये एक तरह से ब्रीफ है तो आपको पता चल जाएगा इसमें करना क्या है बेसिकली सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अप्लाई करना है आपको मैंने साइन अप का दिखाया था आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है देन आपको साइन अप करना है लॉग इन करना है अप्लाई करना है एप्लीकेशन फी है रुपीज़ फ़ाइव हंड्रेड फॉर जनरल ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस एंड टू फिफ्टी फॉर वुमेन और बाकी रिजर्व कैटेगरीज राइट तो ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं एस बी आई कलेक्ट के थ्रू या आप डी डी भी पे कर सकते हैं डी डी के लाइक डिमांड ड्राफ्ट भी और डिमांड ड्राफ्ट होगा अगर तो किन के फेवर में होगा सो इट हैज़ टू बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ वाइस चांसलर डी आई ए टी पुणे पेएबल एट पुणे राइट उसके बाद एप्लीकेशन हैज़ टू बी अपलोडेड जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा फिर अप्लाई करने के बाद आप प्रिंट आउट उसका लेंगे सो प्रिंट आउट ऑफ दी एप्लीकेशन एक्नोलिजमेंट जनरेटेड बाई द सिस्टम आफ्टर अपलोड ऑफ एप्लीकेशन हैज़ टू बी फॉरवर्डेड तो आपको इन्हें फॉरवर्ड करना है भेजना है हार्ड कॉपीज़ को सील एंडवलप में और उसमें जो लिखना होगा वो आपको ये पर्टिकुलर देखे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ जो भी आपका डिपार्टमेंट हो आपको लिखना है देन आपको जॉइंट रजिस्ट्रार अकैडमिक्स को भेजना है ये इनका एड्रेस दिया हुआ है राइट और साथ में बिल्कुल पेमेंट की जो स्लिप है एक्नोलिजमेंट स्लिप है या रिसिप्ट है ठीक है या डीडी है जो भी है उन्हें उसे भी भेजना है तो उसे मत भूलिएगा उसके अलावा आपकी जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स हैं उन सब की आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी राइट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके थर्टी जून तक वहाँ पहुँच जाने चाहिए राइट तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा अगर आप कंडीशन फुलफ़िल करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा थोड़ा पहले ठीक है दो वीक्स पहले एटलीस्ट अप्लाई करिएगा राइट उसके बाद पोस्टल डिले अगर हुआ तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी बट एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं होगी राइट और जब तक उन्हें एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिलती है रिसीट नहीं मिलता है पी फ़ी पेमेंट का तब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा ठीक है एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन अलग अलग सेपरेटली आपको करना होगा ठीक है फिर यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन है इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शन है आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा ठीक है जो नॉर्मल हर जगह होती है वही है बट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िएगा राइट उसके बाद है कोर्स फी और जो अदर चार्जेस हैं सो सेमेस्टर फ़ी थर्टी वन थाउजेंड पर सेम है और अनरिजर्व के लिए और रिजर्व के लिए एटीन थाउजेंड पर मंथ है फिर कौशन फ़ी है तेन टेन थाउजेंड वन टाइम फ़ी है फोर थाउजेंड तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए इम्पॉर्टेंट डेट्स सो ट्वेंटी फोर्थ मे से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट है ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन तेईस जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे और आपकी हार्ड कॉपी तीस जून से पहले पहले, पहले पहुँच जानी चाहिए या तीस जून तक पहुँच जानी चाहिए ठीक है सो so देख के अपने हिसाब से टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा राइट देन टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं इंटरव्यू की बट ऑब्वियसली जो भी कोविड की सिचुएशन रहती है उस टाइम पर उस पर डिपेंड करेगा ये डेट्स अभी टेंटेटिव हैं बट आप जुलाई में मान के चलिए जुलाई में या जुलाई एंड या इनफैक्ट अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यूज होंगे राइट तो ये थी कुछ डिटेल्स जो भी यहाँ पे गिवन है एंड येस yes, तो चलिए अभी हम जो बाकी दोनों पी हैं उन्हें भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जी तो ये है नेक्स्ट पी या इनफैक्ट नंबरिंग वाइज फर्स्ट था जनरल इंस्ट्रक्शन तो मैंने बताया वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है बट आप इसको अच्छे से वन बाय वन पढ़ भी लीजिएगा और क्लैरिटी के लिए डेट थर्टी लाइक ट्वेंटी फोर्थ से स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी थर्ड जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे साइनअप पहले करेंगे फिर अप्लाई कीजिएगा और जो भी एस्ट्रिक्स मार्क्स वाले आपकी एंट्रीज़ होंगी या फील्ड्स होंगे उन्हें फ़िल्स करना मैंडेटरी है ये सब आपको पता है आई नो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा एक तरह से चेकलिस्ट दी हुई है ये सब आपको अटैच करना है ठीक है फ़ोटो और साइन भी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे राइट ये है उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स साढ़े पाँच बजे तक पहुंच जाने चाहिए आ, या तीस जून को साढ़े पाँच से पहले या तीस जून से पहले ठीक है तो ये सहे चीज़ें हैं अब हम बात करेंगे पेमेंट कैसे करना है उसकी जी तो ये पूरा एक बहुत अच्छे से प्रोसेस दिया हुआ है तो देख लेते हैं इसको सबसे पहले आपको ऑनलाइन पे, पेमेंट गेटवे पे जाना होगा फिर एप्लीकेशन फ़ी सेलेक्ट करके प्रोसीड कीजिएगा फिर आपको पता है आपको इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं या कॉरपोरेशन तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे देन उसके अंडर फिर आप नेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गो करने के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम की लिस्ट होगी जिसमें से आपको डी सेलेक्ट करना है गलत सेलेक्ट मत कीजिएगा वरना पेमेंट गलत जगह चली जाएगी ठीक है सो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी देन सबमिट करेंगे फिर पेमेंट की कैटेगरी देन एप्लीकेशन फ़ी आपका नाम कैटेगरी ये सारी चीज़ें सही भरिएगा राइट देन अकेडमिक ईयर आपका ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू होगा ओ वेट यस उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो भी होगी कैटेगरी के, के अकॉर्डिंग वो होगा फिर जो भी एप्रोप्रिएट अमाउंट है आप उसे प्लीज़ अच्छे से भरिएगा एंड बाकी फील्ड्स को आप लीव कर सकते हैं मतलब छोड़ सकते हैं खाली ब्लैंक फिर रिमार्क्स है जिसमें आप अपने स्पेशलाइजेशन को मेंशन करेंगे राइट right, ये देखिए बहुत ही अच्छे से मतलब बोल्डली लिखा हुआ है तो प्लीज़ इसे मत भूलिएगा यूजअली वट वी डू कि हम नहीं फिल करते हैं जनरली ऐसा नहीं होता कि हमें फ़िल करना है बट यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्लीज़ अपना स्पेशलाइजेशन फिल कीजिएगा और बाकी ये डिटेल्स फिर से तो यस ये है पेमेंट का प्रोसेस और यही सब जगह होता है बट ऑबियसली मतलब ऑनलाइन में और आपको बस ये इंस्टीट्यूशन अलग सेलेक्ट करने होते हैं तो यस ये था आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एंड आपका जो भी फीडबैक है कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड येस yes, आप लोग टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछते हैं तो चैनल के जो यूज़र नेम है मैंने आपको अबाउट सेक्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं प्रोवाइड किए हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं सिंपल कैरियर इन्फो पी ही है तो आप अपना टेलीग्राम ओपन करके कैरियर इन्फो पी एच डालिएगा उसमें और आपको मिल जाएगा चैनल राइट तो येस दैट इज़ इट ये था आज का वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग